फैसला है, संविधान सम्मत फैसला है, कोर्ट के फैसले ने 25 साल की सजा दी है, ये अपने आप में स्वागत योग्य है, ये अपने आप में मान्य है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूं, जैसा भी विनय भाई ने कहा कि सजा कम है, और दूसरी चीज जो प्रत्यर्पण संधि के हिसाब से वो आए थे यहां पर, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो उन्होंने घटना की थी वो आतंकवाद था जी। आतंकवाद को लेकर के जिस प्रकार से इस वक्त पूरी दुनिया में एक रूपता है, एक मत है, कोई मत भिन्नता नहीं है, यहां तक कि और जो देश है जो आतंकवाद के पोषित देश हैं, वो लोग भी आज की डेट में आतंकवाद का पीड़ित देश अपने आप को बता रहे हैं। तो इस नए परिप्रेक्ष्य में दोबारा से बातचीत करके किसी भी आतंकवादी को इस तरीके से जेल में रखा जाना कहां तक न्यायोचित है? अगर उसको एग्जीक्यूट किया जा सके तो निश्चित तौर पर, और संविधान सम्मत तरीके से किया जा सके, दोबारा से बात की जा सके, तो उसका एक बार को स्वागत किया जाना चाहिए। वर्तमान की सरकार को चाहिए कि इसको एक नई रोशनी में, जो आतंकवाद से रिलेटेड चीज है, समय पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर के, चाहे वो ISIS का आतंकवाद हो, चाहे अलकायदा का आतंकवाद हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, एक नए किस्म की जो है एक रूपता पूरी दुनिया में है, तो इस नई रोशनी में अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है।